हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेडमी रिडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम विवेक है और हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स को। और क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स के अंदर एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन को हम समझ चुके थे और उसी के अंदर एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है, हम उसे और समझ लेते हैं। जो हिस्सा हमारा बचा हुआ है उसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन। यानी कि अगर आपसे वो कोई भी एक रेशनल नंबर दे दे और उस रेशनल नंबर को कहे कि इस रेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर शो करके दिखाओ, तो आप उस नंबर को कैसे शो करेंगे, आज हम यही बात सीखने वाले हैं। ठीक है, आइए। तो सबसे पहली बात, मैं आपको रेशनल नंबर के बारे में बात बता चुका था। मैंने कहा था कि भाई रेशनल नंबर वो होगा जो इन तीन शर्तों को पूरी करता होगा। पिछली वीडियो में मैंने इस बात को बताया है कौन कौन सी वो तीन बातें हैं। एक तो वो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, क्याऊ की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, और तीसरी बात बताई थी कि पी और क्याऊ जो है वो को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब मैंने ये कहा था, को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर केवल वन होता है। ठीक है, अब आइए आगे। तो ये बात हम कर चुके थे। दूसरी बात, मैं नंबर लाइन को भी बता चुका था कि नंबर लाइन कैसी होती है, वहाँ कैसे नंबर होते हैं, इस बारे में भी हम बात कर चुके थे। ठीक है, तो फिलहाल इसे साफ करते हैं और अपने टॉपिक के ऊपर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आइए, तो सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ। ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये एक नंबर लाइन बना दी मैंने। यहाँ सबको पता है ज़ीरो होता है, यहाँ सबको पता है भाई वन होता है, यहाँ टू होता है, यहाँ थ्री होता है, यहाँ फोर होता है, यहाँ फाइव होता है, यहाँ सिक्स होता है। ठीक है, यहाँ माइनस वन, यहाँ माइनस टू, यहाँ माइनस थ्री, यहाँ माइनस फोर, यहाँ माइनस फाइव। ठीक है, और आप लेना चाहो तो माइनस सिक्स तक ले ले नंबर। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि नंबर लाइन ऐसा नहीं है कि छः पर आकर ही ख़त्म हो जाएगी या इधर माइनस छः पे ख़त्म हो जाएगी। नंबर लाइन बहुत बड़ी होती है, हम सोच भी नहीं सकते, जहाँ तक हम सोचेंगे उससे भी ज़्यादा ये बड़ी होती है। ठीक है, यानी इसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो ये बात हम कर चुके थे सारी। फिलहाल हमें क्या करना है कि इस नंबर लाइन के ऊपर अगर आपको वो कोई रेशनल नंबर दे और उस रेशनल नंबर को बताना हो कि वो रेशनल नंबर इस नंबर लाइन के ऊपर कहाँ होगा, तो हम कैसे दिखाएंगे, इसी बात को आज हम सीखने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं क्या करता हूँ, एक रेशनल नंबर ले लेता हूँ अपनी तरफ से 11/4। ठीक है, पहले आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि ये पी अपॉन क्याऊ की फॉर्म के अंदर है, जहाँ पी की वैल्यू 11 है और क्याऊ की वैल्यू 4 है। ठीक है, दूसरी बात, क्याऊ की वैल्यू 0 भी नहीं है यहाँ पर। तो देखो, रेशनल के लिए तीन शर्तें थी। पहला, पी बटे क्याऊ की फॉर्म में वो नंबर होना चाहिए। दूसरा, क्याऊ 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा, पी और क्याऊ जो हैं वो को प्राइम होने चाहिए, यानी उनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए। आप देखें, नीचे वाला 0 नहीं है तो दूसरी शर्त पूरी। पहली शर्त तो पूरी है ही, क्योंकि दोनों पी अपॉन क्याऊ की फॉर्म में है। तीसरी शर्त ये होती है कि पी और क्याऊ को प्राइम होने चाहिए। आप मुझे एक बात बताएं, 11 और 4 का कॉमन फैक्टर केवल 1 मिलेगा आपको, इसके अलावा कोई और नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 11 और 4 दोनों ऐसे नंबर हैं जो केवल 1 से भाग होंगे, बाकी किसी और नंबर से भाग नहीं होंगे। यानी आप अब कहेंगे कि 4 तो 2 से भाग होता है, लेकिन भाई 11 तो 2 से भाग नहीं होता है ना। हमें वो कॉमन फैक्टर चूज करने हैं जिनसे 11 और 4 दोनों भाग होते हों, तो ऐसा कॉमन फैक्टर केवल 1 है। तो मैं आपको केवल ये बता रहा था कि 11/4 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दरअसल उसने क्या कहा आपसे, उसने आपसे ये कहा कि भाई अगर एक रेशनल नंबर है 11/4, आपको क्या करना है, आपको इस 11/4 को इस नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो ध्यान से देखिएगा, हम इस नंबर को कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहले जो भी नंबर आपको कहे इसके ऊपर शो करना है, आप सबसे पहले उन दोनों नंबर को आपस में डिवाइड कर लें। मैंने क्या कहा, जो भी नंबर आपको नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है, यानी जो भी रेशनल नंबर आपको इस नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, उन दोनों नंबर को आपस में डिवाइड कर लेना है, और उन दोनों नंबर को डिवाइड करने के बाद आप उन्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर लिख लीजिए। ठीक है, आइए।
तो मुझे 11 को 4 से भाग देना है। दीजिए ज़रा, ये 2 पे जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब 11/4 को लिखने का एक रूल होता है, क्याऊ आर और डी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, यानी 11/4 को आप डिवाइड करेंगे तो हमें डिवाइड करने के ऊपर ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो क्याऊ का मतलब होता है क्वोशेंट, ये आप पढ़ के आ चुके हैं क्लास 8th के अंदर, 7th के अंदर। डी का मतलब होता है डिवाइज़र, ठीक है। आर का मतलब होता है रिमाइंडर। अब आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ रिमाइंडर कितना है? 3, तो ऊपर तो चला जाएगा 3। यहाँ डिवाइज़र कितना है? 4। डिवाइज़र वो होता है जिससे हम भाग देते हैं, तो डिवाइज़र कितना है? 4। क्वोशेंट कौन होता है? जितने के ऊपर वो डिवाइड गया है, ये कौन है? ये है मेरा क्वोशेंट, ठीक है। ये कौन है? ये होता है मेरा रिमाइंडर, ठीक है। और ये कौन है? ये होता है मेरा डिवाइज़र, ठीक है। अब से बात याद रहेगी, आप किसी भी नंबर को जो फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर है, आप उसे इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर लिखने वाले नंबर को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, जो इस फॉर्म में होता है उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। क्याऊ की वैल्यू कितनी है भाई? यहाँ पे 2 है, यानी कि इस तरीके से मैं 11/4 को शो कर सकता हूँ, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई? मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप समझ पाए होंगे। हमने क्या किया, 11 को 4 से भाग दिया, जो संख्या आई वो ये आई, 4 से ये 2 के ऊपर भाग गया, 3 रिमाइंडर बच गया। तो जितने पर भाग जाता है वो कहलाता है हमारा क्वोशेंट, जो बचता है शेष वो कहलाता है रिमाइंडर, जिससे भाग करते हैं वो कहलाता है डिवाइज़र। तो अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन को इस फॉर्म में लिखना हो, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर लिखना हो, इसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर लिखना, ठीक है। तो अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना हो तो उसका फॉर्मूला होता है क्याऊ आर डी, ठीक है। क्याऊ कौन होता है? क्वोशेंट। आर कौन होता है? रिमाइंडर। डी कौन होता है? डिवाइज़र, ठीक है। ये फॉर्मूला दरअसल कहीं है नहीं, हमने इसे शॉर्टकट बनाया हुआ है ताकि ये याद रहे, ठीक है। ये दरअसल मिलेगा नहीं, मतलब किसी किताब में ऐसा लिखा नहीं हुआ है, किताब वाले तो डायरेक्ट बताते हैं कि भाई ऐसे यहाँ पे लिखाना है, ठीक है। ये फॉर्मूला केवल आपको याद रखने के लिए है, आप चीज़ों को आसान करने के लिए, कि आप आसानी से इन चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। चलें आगे, तो इस चीज़ को मैं साफ़ कर दूँ, आप समझ पाए कि 11/4 को मैं 2 सही 3/4 लिख सकता हूँ, ठीक है। इधर आए आप, अब आप एक बात देखें ध्यान से, मैंने क्या किया, 11/4 को मैंने 2 सही 3/4 लिखा, लिखा कि नहीं लिखा? आप एक बात बताएं, अब आप इस नंबर को दिखाएं, मैं आपको शो करके दिखा सकता हूं कि 2 सही 3/4 की वैल्यू वही है जो 11/4 है, यानी कि आप 4 को 2 से गुना करें कितना बनता है? 8। 8 में आप 3 जोड़ें कितना बनेगा? 11, और नीचे कौन है? 4। यानी 2 सही 3/4 लिखें या 11/4 लिखें, दोनों का अर्थ सेम होता है, ठीक है। तो ये केवल मैंने बताया है कि किसी नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है। अब एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसी नंबर को आप एक और तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 जमा 3/4, इसकी वैल्यू तब भी 11/4 रहेगी। यानी देखो, 11/4 को लिखने के 2 तरीके हो गए, पहला तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका कौन सा हुआ? ये, आप चाहे ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें, ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है ना ही कोई गलती है। आ रही है मेरी बात समझ में? अब मेरी बात आगे सुने, आपको क्या करना है, जो भी रेशनल आपको नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है, सबसे पहले उस नंबर को डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद आपको उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, जैसे यहाँ लिखा है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के बाद आप उसे ऐसे लिखना है। ऐसे कैसे लिखेंगे? आपको एक छोटा सा काम करना है, यहाँ बीच में प्लस का साइन लगा देना है, बात ही खत्म। अब ये कैसे होगा, अब मैं इसकी शो कर सकता हूँ, देखो 2+3/4, मैंने कहा था कि कोई नंबर अगर अकेला है तो उसके नीचे आप 1 लिख लें, 1 लिखने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, नीचे एलसीएम ले तो कितना आएगा? 4। इसको करेंगे तो एलसीएम कितना बनेगा? ऊपर 8 बनेगा। यहाँ देखो, 4 से 4 1, और कितना आएगा? 3। आप मुझे बताएं वैल्यू कितनी आई 11/4। तो चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें, तीनों बातें ठीक है। लेकिन अगर आपको नंबर लाइन के ऊपर किसी रेशनल नंबर को शो करना है
तो आपको इस फॉर्म के अंदर उस नंबर को लिखना पड़ेगा। दोबारा कह रहा हूँ, इस फॉर्म के अंदर आपको उस नंबर को लिखना पड़ेगा। इतना आप कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इस फॉर्म में उस नंबर को लिखने के बाद, अब देखो आपको 11/4 को प्लॉट करना है। अब आप सोचेंगे इस नंबर लाइन के ऊपर 11/4 कहाँ ढूंढूँ, कैसे ढूंढूँ, क्योंकि 11/4 है। आप इस नंबर लाइन के ऊपर देखेंगे तो इसके ऊपर एकदम बिल्कुल जो है परफेक्ट नंबर लिखे हुए हैं। परफेक्ट नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं का मतलब होता है कि वे संख्याएं या वे नंबर जो अपने आप में पूरे हैं, अधूरे नहीं हैं। यानी कि आप देखो, 1 जो है वो अपने आप में पूरा है, 1 के अंदर ना कोई पॉइंट लगा है ना कोई 1 के साथ फ्रैक्शन है। 2 देखो ये पूरा है, 3 देखो पूरा है। यानी इस नंबर लाइन के ऊपर आपको सारे पूरे नंबर दिख रहे होंगे, ठीक है। 11/4 एक फ्रैक्शन नंबर है, वो आपको कहीं नहीं दिख रहा। अब आप सोचेंगे इस नंबर को हम प्लॉट करें तो कैसे करें, तो आपको सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड करना था, डिवाइड के बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले जाना था, मिक्स्ड के बाद आप इसे फॉर्म में बनाना था। अब आपको ये बनाने के बाद आपको क्या करना है, यानी चाहे आप 11/4 कहें या आप इसे कहें, अब आप इस चीज़ को बीच वाले को आप साफ कर दें। तो 11/4 की जो वैल्यू बनी है वो कौन बनी है, 2 जमा 3/4, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 पे जाना है। आप मुझे एक बात बताएं, 2 कहाँ है, ये रहा 2, ये रहा 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 2 पे तो चले गए आप, लेकिन 2 में 3/4 और जोड़ना है। यानी आपको वहां जाना है, यानी 2 से आपको कितना आगे चलना है, 3/4 हिस्सा आगे चलना है। अब 3/4 हिस्सा कैसे चलेंगे, तो आप जो ये 3/4 हिस्सा है ना, इसका नीचे वाला हिस्सा देखें, नीचे वाला हिस्सा कितना है, 4। यानी कि आपको क्या करना है, जो नीचे लिखा है ना, आप 2 के ऊपर जाएं सबसे पहले, और 2 से अगले वाला जो कॉलम है, अब आप मुझे बताएं 2 से अगले वाला कॉलम कौन सा है, ये वाला, ये पूरा 2 और 3 का कॉलम, ये पूरा हिस्सा, ठीक है। यानी ये पूरी यूनिट आपको क्या करना है, 2 के ऊपर जा करके 2 से अगला जो कॉलम है उसमें उतने हिस्से करने हैं जितना नीचे नंबर लिखा हुआ है। नीचे कितना नंबर लिखा है, 4, तो आपको यहाँ 4 हिस्से करने हैं, 1, 2, 3। आप कहेंगे मैंने तो 3 ही लाइन खींची, तो भाई अगर हमारे पास कोई एक लाइन है, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, अगर वो आदमी कहे कि इस लाइन के आप 2 टुकड़े करो या 3 टुकड़े करो, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है 3 टुकड़े करो, तो मैं इस लाइन के ऊपर 2 लाइन खींच दूंगा। 2 लाइन खींचने से देखो, एक टुकड़ा तो ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया। यानी जब आप 2 लाइन खींचते हैं तो टुकड़े कितने होते हैं, 3। ऐसे ही जब आपने यहाँ पे 3 लाइन खींची तो टुकड़े कितने होंगे, 4। आ रही है मेरी बात समझ में, सिंपल सी बात है यार। जो नंबर आगे लिखा हो उसके ऊपर जाएं आप सबसे पहले, ठीक है, और जो नंबर यहाँ अगले वाला होगा उसमें जो नीचे लिखा है उतने ही आप आगे हिस्से कर दें। या नीचे कितना लिखा है, 3/4, यानी 4 लिखा है नीचे, तो अगले वाले पार्ट में आप 4 हिस्से कर दें। कर दिया मैंने 4 हिस्से। अब देखो, 2 तो मैंने प्लॉट कर दिया, 2 तो यहाँ है, मुझे तो 3/4 और चाहिए, यानी मुझे कंप्लीट 2 सही 3/4 की वैल्यू चाहिए, या कहूँ 11/4 की वैल्यू चाहिए। अब आप एक बात बताओ, 2 तो यहाँ है लेकिन मुझे 3/4 और चाहिए, 3/4 आगे चलना है। तो देखो, 2 तक तो मैं यहाँ पहुँचा, 3/4 कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले आपको 3/4 अगर यहाँ पे प्लॉट करना है तो आपको सबसे पहले अगले वाले के 4 हिस्से करने पड़ेंगे, यानी यहाँ पर आगे 4 हिस्से करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ 4 हिस्से किए, कैसे किए, बीच में 3 लाइन खींच दी, 3 लाइन खींचने से कितने हिस्से हुए, 4। देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 हिस्से हो गए, ठीक है। अब 4 हिस्से हो गए, अब हिस्से करने हैं 4, लेने कितने हैं, 3। देखो एक बात ध्यान रखो, जो नीचे लिखा होता है ना उतने तो हिस्से करने हैं, हिस्से करने हैं, ठीक है, और जो ऊपर लिखा है ना उतने हिस्से लेने हैं, उतने हिस्से लेने हैं, ठीक है। यानी मुझे टोटल हिस्से कितने करने हैं, 4, और लेने कितने हैं, 3। देखो मैंने 4 हिस्से किए, 4 में से चाहिए कितने, 3। देखो पहला हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया, तीसरा हिस्सा, यानी यहाँ तक का हिस्सा मुझे चाहिए। तो ये जो संख्या होगी, ये 2 सही 3/4 कहो आप इसे, 2 जमा 3/4 कहो आप इसे, या 11/4 कहो आप इसे, ठीक है। आ गई मेरी बात समझ में, दोबारा सुनो मैंने क्या किया।
मैंने सबसे पहले तो 11 बटे 4 को इस फॉर्म में लिखा, जिस नंबर को मैंने प्लॉट करना था उसे इस फॉर्म में लिखा। इस फॉर्म में लिखने के बाद आपको सिंपल सा एक ही काम करना है, यहाँ 2 जमा 3 बटे 4 था। सबसे पहले जो आगे एक कंप्लीट नंबर लिखा मिलेगा आप उसके ऊपर पहुँचे, मैं 2 के ऊपर पहुँचा, ठीक है। 2 के ऊपर पहुँचने के बाद आप 2 के ऊपर रुक जाए। अब आपको क्या करना है, जो अगला नंबर है आप उसे देखें, अगला नंबर कौन बचा, 3 बाई 4। आपको अब क्या करना है, जो नीचे नंबर लिखा होता है उतने तो आपको हिस्से करने होते हैं, मैं केवल बता रहा हूँ, यानी एक तरीका है उस नंबर को वहाँ प्लॉट करने का, ठीक है। आप ऐसे ध्यान रखिए या कैसे भी ध्यान रखिए, केवल एक तरीका है कि हम इस नंबर को वहाँ कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। नीचे वाला नंबर जितना होता है उतने तो हिस्से करने होते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है यार, देखो मुझे 2 जमा 3 बटे 4 की वैल्यू चाहिए, 2 पर तो मैं पहुंच गया, अब मुझे 3/4 हिस्सा और चाहिए। अब मैं 3/4 हिस्सा कहाँ से लाऊं, तो सबसे पहले 3/4 हिस्सा करने के लिए मुझे 4 हिस्से करने पड़ेंगे, 4 हिस्सों में से फिर मैं तीसरा हिस्सा लूंगा। पहले मैंने इसके 4 हिस्से किए, फिर उसके बाद मैंने 3 हिस्से इसमें से लिए हैं, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं, उससे ये बातें और क्लियर होंगी, ठीक। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं, आइए देखते हैं, ठीक। चलिए तो अगला जो एग्जाम्पल है उसे हम लेते हैं, अगला एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं इसके अंदर से, 6 बाई 5। फॉर एग्जाम्पल ये है, आप मुझे एक बात बताएं, मैंने कहा था इसे यहाँ पे प्लॉट करना है, तो सबसे पहले आप 6 को 5 से भाग दें, अगर आप भाग देंगे तो 5 एकम 5, 1 बचेगा, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। अब मैंने कहा था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने का रूल होता है QRD, आप लगाएं यहाँ पे, Q कौन है यहाँ पे, 5 है, R कौन है यहाँ पे, 1 है, D कौन है यहाँ पे, 1 है, ठीक है। तो आप चेक करके देखें, 5 एकम 5 और 1 6, ठीक है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 है क्वेश्चन की वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू है 5, ठीक है। आ रही है मेरी बात समझ में, डिवाइज़र कितना है 5, क्वेश्चन कितना है 1 और रिमाइंडर कितना है 1, तो 1 सही 1/5 मेरे पास ये वैल्यू होने वाली है, ठीक। यानी कि 6/5 को, इसे मैं साफ़ कर देता हूँ, यानी 6/5 को मैं 1 सही 1/5 लिख सकता हूँ, और इसी नंबर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1 जमा 1/5, अभी बताया था मैंने, आपको बीच में प्लस लगा देना है, और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 6/5 ही आपको मिलेगी, ठीक है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुने, मैंने क्या कहा था, हम इस नंबर को 6/5 को इसलिए ऐसा लिखते हैं ताकि हम आसानी से इस नंबर को प्लॉट कर पाए। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे 1 पर जाना है, 1 पर जाने के बाद मुझे जो नीचे लिखा है, अब देखो मैं 1 पर तो पहुंच गया, यहाँ मैं 1 पर तो पहुंच गया, ये 1 है, यहाँ तो पहुंच गया। अब मुझे क्या करना है कि 1/5 हिस्सा और चाहिए, तो 1/5 हिस्सा चाहिए, तो उससे पहले मुझे 5 हिस्से तो करने पड़ेंगे, तभी तो मैं 1/5 हिस्सा यहाँ पे लगा पाऊंगा। देखो सिंपल सी बात है यार, 1/5 हिस्सा चाहिए, तो सबसे पहले मुझे 5 हिस्से करने पड़ेंगे, तभी तो 1/5 हिस्सा निकाल पाऊंगा मैं। तो देखो आप, 1 से अगली वाली यूनिट कौन है, 2, यानी इतना वाला पार्ट, आप इतने इतने पार्ट में मैं जो निशान लगा रहा हूँ इसके अंदर आप 5 हिस्से करें, तो 5 हिस्से करेंगे, तो देखो 5 हिस्से करने के लिए कितनी लाइन मारनी पड़ेगी, 4, तो 1 2 3 4। अब आप गिन ले, देखो एक ये हिस्सा, 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 एक मैं नंबर लिखता हूँ, 1 2 3 4 5, दिखा आपको अब, ठीक है। तो ये 5 हिस्से हमारे यहाँ पर हो गए हैं, इस लाइन को आप मिटा दें, ठीक है, क्योंकि ये तो 2 की लाइन है, यहाँ तो 2 है, ठीक है, 5 हिस्से कर दिए आपने। अब मैंने कहा था कि 1 यहाँ है, आपने 5 हिस्से कर दिए, और जो ऊपर लिखा होता है, ऊपर कितना लिखा है, 1, और नीचे कौन लिखा है, 5, जितना नीचे लिखा होता है उतने तो हिस्से करने होते हैं, उतने हिस्से करने होते हैं, ठीक है, और जो ऊपर लिखा है उतना हिस्सा लेना है, उतना हिस्सा लेना है, लेना है, ठीक है। यानी मुझे 5 में से कितने हिस्से चाहिए, अब 1 हिस्सा। तो देखो ये तो यहाँ 1 था, अब देखो पहला हिस्सा कौन सा है, ये वाला, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, मुझे कौन सा हिस्सा चाहिए, पहला, जो ऊपर लिखा होता है उतना हिस्सा चाहिए, तो पहला हिस्सा कौन सा है, ये वाला, तो ये वाला जो होगा, ये वाला जो पहले वाला कॉलम है, ये वाला,
ये वाली जो संख्या होगी ये कहलाएगी एक सही एक बटे पाँच कह लो, या एक जमा एक बटे पाँच कह लो, या छः बटे पाँच कह लो। ठीक है, आसान सी बात है। आपको करना क्या है, इतना सा काम करना है, जो भी नंबर आपको प्लॉट करना है सबसे पहले उन्हें डिवाइड करो, डिवाइड के बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो, मिक्स्ड के बाद बस उसे इस फॉर्म के अंदर लिखो। इस फॉर्म में लिखने का आसान सा तरीका ये है कि आप इसे जब ऐसे लिख लेंगे तो प्लॉट करना ईजी हो जाता है। सबसे पहले आप एक पर जाएँ, क्योंकि जो आगे लिखा होता है सबसे पहले उस पर जाएँ। पहले मैं एक पे ऊपर गया, ठीक है। एक पे जाने के बाद में मुझे क्या करना है, इसमें एक बटा पांचवा हिस्सा और ऐड करना है। तो देखो यानी एक पर तो मैं यहां पहुंच गया, लेकिन ये मेरी जर्नी नहीं है, मुझे एक पर नहीं पहुंचना है, मुझे एक जमा एक बटे पांच पे पहुंचना है। एक पर तो मैं पहुंच गया, मुझे एक बटा पांचवा हिस्सा और आगे जाना है। तो एक बटे पांचवा हिस्सा मैं कैसे जाऊंगा, पहले जब इन्हें पांच हिस्सों में बांटूंगा तभी तो एक बटा पांचवा हिस्सा निकाल पाऊंगा। मैंने क्या किया, इन्हें पांच हिस्सों में बांटा, फिर पांच में से मुझे कौन सा चाहिए, एक बटे पांचवा यानी पहला हिस्सा चाहिए जो ऊपर लिखा होता है। तो पहला हिस्सा कौन सा था, जो फर्स्ट वाला था वही ले लिया। तो ये वाली जो बनेगी ये कौन बनेगी, छः बटे पाँच बनेगी। ठीक है, आगे चलें। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। एक और क्वेश्चन ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपको ये उल्टा नंबर दे दे 5/6, तो आप कैसे करेंगे। अगर वो 5/6 लिख दे तो आप इसे कैसे प्लॉट करेंगे। देखो आप मुझे एक बात बताओ, दो नंबर को आप डिवाइड केवल तभी कर पाते हो, आप दो नंबर को अगर आप डिवाइड कर रहे हो, नॉर्मली पूछ रहा हूं मैं अमूमन, जब ऊपर बड़ा नंबर होता है और नीचे छोटा नंबर होता है, मान लो ऊपर 8 है नीचे 4 है, तो आप इन नंबर को डिवाइड कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। ऊपर 12 है नीचे 4 है, आप इन नंबर को डिवाइड कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। ऊपर 11 है नीचे 3 है, आप इन नंबर को डिवाइड कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। आप इन सब नंबर को डिवाइड इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि ऊपर नंबर बड़े हैं और नीचे नंबर छोटे हैं। ये बात तो आपने सभी ने पढ़ी होगी कि जिस नंबर को हम भाग करते हैं वो नंबर बड़ा होता है और जिससे भाग देते हैं वो नंबर छोटा होता है, ये सबने पढ़ा होगा। लेकिन आपने कई सिचुएशन ऐसी भी देखी होगी जिसमें ऊपर नंबर बड़ा होता है नीचे नंबर छोटा होता है, यानी जिसे भाग दे रहे हैं वो नंबर छोटा होता है और जिससे भाग दे रहे हैं वो बड़ा होता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो आंसर आता है वो पॉइंट के अंदर आता है, हालांकि पॉइंट तो इसके अंदर भी आएगा 11/3 के अंदर, लेकिन एक नया जो इनके अंदर डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ये होता है, मैं आपको बताऊं, अगर मैंने ऊपर छोटा नंबर लिखा है नीचे बड़ा नंबर लिखा है और दो कंडीशन लेता हूँ, एक तो ये वाली एक मैं लेता हूँ ये वाली, ये दो कंडीशन है, इन्हें साफ कर देते हैं, हम केवल इन दो से समझते हैं। आप इधर देखें, मैंने ये दो चीज़ें लिखी हैं। एक छोटी सी बात आप मुझे बताओ, इनमें और इन दोनों नंबर में एक ही फर्क है, इसमें तो ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है, इसमें ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर है, यही तो डिफरेंस है। अब आप एक बात देखना छोटी सी यहां पे ध्यान लगा के, इस नंबर को भी मैं डिवाइड कर सकता हूं, इस नंबर को भी मैं डिवाइड कर सकता हूं, कर सकता हूं, लेकिन दोनों नंबर डिवाइड तो हो सकते हैं आपस में, बिल्कुल होंगे, दोनों का आंसर जो आएगा वो पॉइंट में ही आएगा, दोनों डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन एक चीज दोनों के अंदर कॉमन नहीं है, कौन सी, इस 11/3 को तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर लिख सकते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हो, पर 5/6 को आप इसमें नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, आप इधर देखें, आप ध्यान दें आप इस बात के ऊपर। देखो 11/3 है, इसका मतलब 11 को 3 से भाग देना है, 3 3 9, यहाँ 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। आप एक छोटी सी बात बताएं, आप 2 आ गया यहाँ पर, अब 2 तो आ गया है, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला था वो ये था, क्याऊ आर और डी। क्याऊ कौन होता है, जितने के ऊपर वो डिवाइड गया है, आर कौन होता है जो शेष बचता है, डी कौन होता है जिससे डिवाइड करते हैं। फॉर्मूले में पुट करें आप तो 3 2 3 ये बन जाएगी इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। लेकिन अगर मैं 5/6 में आऊं, यानी मुझे 5 को 6 से भाग देना है, आप यहाँ गौर करके देखें, 5 तो 6 से भाग होता ही नहीं है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा। फिर
फिर मैं यहाँ पॉइंट लगाऊंगा, यानी जीरो का मतलब होता है ना जाने की जीरो, जब ये जा ही नहीं रहा है तब मैं जीरो लगा रहा हूँ क्योंकि जीरो पे तो चला ही जाएगा। अब मैंने पॉइंट लगाया यहाँ पे, अब पॉइंट लगाया तो एक जीरो उतरेगी, ठीक है। फिर क्या होगा, ये कितने पे जाएगा, छः छांगले छत्ते छः सातें बयालीस छः आठे 48, यानी यहाँ पे आंसर बचेगा दो, ठीक है दो बचेगा। लेकिन आपने एक बात पढ़ी होगी क्लास 8th के अंदर, जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनती हैं उसमें कभी भी, अब आप इसका पहले एक बात बताएं छोटी सी, उसमें कभी भी, पहले इस पे देखते हैं फिर इस पे आते हैं, पहले इसे क्लियर करते हैं, जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन देखी होंगी उसके अंदर कभी पॉइंट वाले नंबर नहीं देखे होंगे। अगर मैं इसकी फॉर्म बनाऊँ तो ये क्या हुआ है, ठीक है, ये डी है ये आर है। अगर आप क्याऊ आर डी के फॉर्मूले में इन्हें पुट करेंगे, जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने का फॉर्मूला है, तो क्याऊ की वैल्यू 0.8 है, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, और डी की वैल्यू कितनी है 6। ये वाली मिक्स्ड फ्रैक्शन कभी बन ही नहीं सकती क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कभी पॉइंट वाले नंबर नहीं आते, यानी कि जिसके अंदर ऊपर नंबर छोटा नीचे नंबर बड़ा उनको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कभी नहीं लिख सकते, इन नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, काट दिया मतलब नहीं लिख सकते, पर इन्हें हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, किन्हें, जिनमें ऊपर नंबर बड़ा होता है नीचे छोटा होता है, वो फ्रैक्शन जिसमें ऊपर नंबर बड़ा है नीचे नंबर छोटा है उसे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, जैसे 11/3, लेकिन वो फ्रैक्शन जिसमें ऊपर नंबर छोटा है नीचे नंबर बड़ा है उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कतई नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इस बात को समझ पाए होंगे, ये बातें समझानी बड़ी ज़रूरी थी, आप पढ़ के भी आए होंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता था उनकी ये बातें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अब मैं चल सकता हूँ आगे, अब मैं आगे चल सकता हूँ, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपसे ये कह रहा था कि मैं आपसे कहता हूँ कि 5/6 को आप इस नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करके दिखाएं, मैं इसे सही कर देता हूँ, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि 5/6 को आप इस नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करके दिखाएं। अब देखो एक छोटी सी गलती हो गई यहाँ पर, वो गलती क्या हो गई कि 11/3 जो हम अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले 6/5 को लिखा था, हमने ऐसे लिखा था 1/5, यानी 6/5 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख पा रहे थे, लेकिन 5/6 को हम नहीं लिख सकते क्योंकि इस फ्रैक्शन के अंदर ऊपर नंबर छोटा है नीचे नंबर बड़ा है, इसमें ऊपर बड़ा था नीचे छोटा था तो इसे लिख पा रहे थे, तो 5/6 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो लिख नहीं सकते, यानी इस फॉर्म के अंदर तो हम इस नंबर को लिख नहीं सकते, यानी क्यू आर डी वाली फॉर्म के अंदर इसे नहीं लिख सकते। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर एक छोटा सा तरीका है, क्या है वो तरीका, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आप एक बात बताएं, अगर मैं इस नंबर को ऐसे लिख दूं तो कोई गलती होगी, आप एक बात बताओ, जीरो को किसी नंबर में अगर ऐड कर दे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, नहीं पड़ेगा ना, मैंने वही किया है, ठीक है। और एक याद करो पिछले वाले क्वेश्चन में, हम जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते थे, जैसे हमने इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाई थी, मिक्स्ड के बाद जो अगली फॉर्म बनती थी वो यही वाली तो बनती थी कि नहीं, और इस फॉर्म के बनने के बाद ही हम नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करते थे, तो इस नंबर की ये वाली फॉर्म तो बन गई ऐसी वाली, तो इस नंबर को अब हम प्लॉट कर सकते हैं, यानी 5/6 को अब हम वहाँ प्लॉट कर सकते हैं ना, तो चलिए करते हैं। आप एक बात बताओ, 5/6 को अगर प्लॉट करना है तो सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, जीरो पे जाना पड़ेगा, जीरो कहाँ है, ये रहा। अब याद रहे जीरो पे नहीं रुकना है, मुझे जीरो में 5/6 और जोड़ना है तो वो मेरा उत्तर होगा। अब कई बच्चे सोचेंगे कि भाई जीरो पे रुक जाना है, जीरो आगे दे रखा है, नहीं नहीं जीरो पे नहीं रुकना है, जीरो के ऊपर हम पहले शुरू कर रहे हैं कि जीरो के ऊपर जाना है फिर जीरो में 5/6 जोड़ना है, ठीक है, यानी जीरो के अंदर 5/6 हिस्सा हमें जोड़ना है, ठीक है, 5/6 पार्ट हमें ऐड करना है। तो देखो जीरो पे तो हम पहुंच गए, अब दिक्कत है कि 5/6 हिस्सा हम यहाँ पे लेके कैसे आए। तो मैंने सबसे पहले कहा था कि जो नीचे लिखा होता है ना उतने हिस्से कर लें आप, तो देखो हिस्से कितने करने हैं, 6 करने हैं, तो जीरो और 1 के बीच में कितनी लाइन खींच दें आप, 5, तो 1, 2, 3, 4 और 5, 5 लाइन खींच दी मैंने, ठीक है। अब देखो हिस्से कितने बने, एक हिस्सा ये, टोटल कितने हिस्से हो गए, 6 में से मुझे कितने हिस्से चाहिए, 5,
तो पांचवा हिस्सा ढूंढो। देखो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, यानी ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा कौन होगा? 5/6 कहो या 0+5/6 कहो। तो अब आप उन नंबर को भी प्लॉट कर पाएंगे जिनमें ऊपर संख्या छोटी है नीचे बड़ी है, और उनको भी कर पाएंगे जिसमें ऊपर नंबर बड़ा है नीचे छोटा है। अब एक ही पार्ट बचा है, कौन सा वाला? जो नेगेटिव नंबर होते हैं, यानी अगर वो आपसे कहते कि -5/6 को प्लॉट करके दिखाओ, तो अब आप क्या करेंगे? तो आपको एक छोटा सा काम करना है। देखो ध्यान से, यहाँ नेगेटिव आ गया। अब अगर नेगेटिव आ गया तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि ये वाला नंबर इधर वाली साइड में प्लॉट होगा, क्योंकि ये कैसा नंबर है? नेगेटिव नंबर। और नेगेटिव नंबर किधर है? इस लेफ्ट साइड में। अगर ये पॉजिटिव होता तो किधर होता? उधर, क्योंकि उधर सारे कैसे नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर है तो इधर की तरफ प्लॉट होगा। ठीक है, अब आप एक बात बताएं, तो आपको छोटा सा काम करना है, इस नेगेटिव को तो आप बाहर ही रखें और ब्रैकेट लगाते हैं। इस 5/6 को अभी अभी हमने 0+5/6 लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था ना। तो अब आप देखो ध्यान से, अब इस माइनस को आप अंदर शिफ्ट करो, तो माइनस का 0 और माइनस का 5/6। ठीक है, आपने ये बात पढ़ी होगी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलके आपस में क्या बनाते हैं? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बना रहे हैं? नेगेटिव। अब देखो, 0 के आगे आप नेगेटिव लगाओ या पॉजिटिव, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो ये तो 0 ही रहेगा। ये माइनस का 5/6, यानी अगर मुझे -5/6 को प्लॉट करना है तो मुझे इस नंबर को प्लॉट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे वापस किस पे जाना पड़ेगा? 0 पे। तो 0 कहाँ है? ये रहा, याद रहे 0 पे नहीं रुकना है। अब 0 के अंदर क्या करना है? -5/6 की तरफ जाना है। किसकी तरफ जाना है? -5/6 की तरफ। अब देखो, -5/6 कहाँ मिलेगा? नेगेटिव नंबर की तरफ मिलेगा ना। अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो कहाँ जाते? पॉजिटिव की तरफ। अब देखो, जब +5/6 की बात थी तो हम इधर गए थे, तो नेगेटिव की बात होगी तो किधर जाएंगे? इधर वाले हिस्से में जाएंगे। तो ध्यान से देखो, मुझे क्या करने हैं? जो नीचे लिखा होता है उतने हिस्से करने, 6 हिस्से कर दो। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, बोलो हो गए 6 हिस्से। एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 6 हिस्से हो गए। मुझे 6 में से कितना चाहिए? 5। तो ये वाला नंबर, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, पांचवा हिस्सा ये वाला हो गया, यानी -5/6। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये वाला नंबर -5/6 यहाँ है, +5/6 यहाँ है। ध्यान रहेगी ये बात, नेगेटिव नंबर को भी अब आप प्लॉट कर पाएंगे। ऐसे ही एक और नंबर हमने थोड़ी देर पहले देखा था, वो कौन सा था? 6/5। अगर इस नंबर को हमें प्लॉट करना हो और अगर ये नेगेटिव नंबर दे दे तो कैसे प्लॉट करेंगे? तो देखो, 6/5 को हमने पॉजिटिव तो प्लॉट किया था, और 6/5 को हमने ये लिखा था ना, 1+1/5, याद करो लिखा था कि नहीं लिखा था? अब देखो, नेगेटिव को मैंने बाहर लिखा हुआ है, आप जब भी नेगेटिव का कोई सवाल आए ना, उसे बाहर लिख दो ब्रैकेट से, ताकि अंदर दिक्कत ना हो। अब आपको क्या करना है? इस नेगेटिव को अंदर शिफ्ट कर देना है, -1, -1/5। तो देखो, सबसे पहले अगर आपको -6/5 को प्लॉट करना है तो आपको सबसे पहले -1 पे जाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, मैं इसे साफ कर देता हूँ पहले, तो ठीक है, ये तकलीफ करेंगे नहीं तो। ए यहाँ कौन है? मैं इनको साफ कर देता हूँ पहले। यहाँ है 1 और यहाँ है 0। ठीक है, आप इधर देखें, आप मुझे क्या करना है? सबसे पहले -1 पे जाना है। ठीक है, -1 कहाँ है? ये रहा, याद रहे -1 पे ही हमारा उत्तर खत्म नहीं होगा, हमें -1 के अंदर -1/5 भी लेना है। अब आप एक बात बताओ, माइनस के अंदर माइनस ऐड हो रहा है, अगर आप -1 के अंदर -1 ऐड करते हो तो कितना आता है? -2। -2 के अंदर -2 ऐड करते हो तो कितना आता है? -4। यानी जब भी आप नेगेटिव में नेगेटिव नंबर को ऐड करते हो तो वो नंबर किधर चलते हैं? इधर की तरफ। देखो, अगर -1 के अंदर -1 करता हूं तो -2 आता है, यानी -1 के अंदर माइनस का ही नंबर ऐड किया तो आगे बढ़ रहे हैं नंबर, इधर की तरफ जा रहे हैं ना, इधर की तरफ। तो माइनस के अंदर ये माइनस ऐड हो रहा है, तो -1, -1/5 ये नंबर किधर मिलेगा? इधर की तरफ मिलेगा, इधर की तरफ। ठीक है, तो ध्यान दो, मुझे क्या करना है? -1 कर दिया, अब मुझे -1/5 और प्लॉट करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले जितना हिस्सा नीचे लिखा होता है उतने हिस्से करेंगे। कितने हिस्से करने हैं? 5। 1, 2, 3, 4। 4 लाइन का मतलब 5 हिस्से हो गए। देखो, गिनो ना, 1, 2, 3, 4, 5। और मुझे कितना हिस्सा चाहिए? एक हिस्सा। तो पहला हिस्सा कौन सा है? ये वाला। देखो, पहला हिस्सा ये शुरुआत वाला ही है, ये वाला, इसे कह देंगे -6/5। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी इन चीजों को समझ पाए होंगे।
आराम से आप इन चीज़ों को पढ़िए, समझिए, दो चार क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी के अंदर प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी में कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइए कमेंट के अंदर, हम उन समस्याओं का समाधान करेंगे। ठीक है, आराम से पढ़िए इन चीज़ों को, फिर मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।